श्रीलंका के कैबिनेट ने उस विवादित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पहनना प्रतिबंधित माना जाएगा। यह प्रतिबंध नकाब या बुर्के को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए लगाया गया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। श्रीलंका ने धार्मिक कट्टरपंथ से निपटने के लिए बुर्का को प्रतिबंध करने की वकालत पहले ही की थी। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरथ वीरासेकेरा ने तो बुर्के को धार्मिक उन्माद का प्रतीक बता दिया था। मार्च महीने में इस देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरथ वीरासेकेरा ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर कैबिनेट से प्रस्ताव को पास करने की मांग की थी। उसके बाद ये फैसला आया है जब श्रीलंका ने यह तय कर लिया है, उस विवादित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जब वहां बुर्का या नकाब पहनना प्रतिबंधित रहेगा। इस कानून के बनते ही श्रीलंका एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां बुर्का पहनने पर प्रतिबंध होगी, पाबंदी होगी। हालांकि चीन में भी ऐसा कानून है, लेकिन उसे आंशिक तौर पर केवल शिनजियांग में ही लागू किया गया है, पूरे चीन में ये लागू नहीं है। तो एशिया का यह पहला देश बन गया है जहां की बुर्के को धार्मिक उन्माद का प्रतीक बताया गया है और बुर्का पहनना गलत है। आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? क्या बुर्का एक ऐसे कट्टरपंथ को, धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है? क्या धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगी, कई देश ऐसे हैं जो कि पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं, एशिया में नहीं बाकी यूरोप वगैरह में, जहां की बुर्के पर प्रतिबंध है। बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला श्रीलंका अकेला देश नहीं है। कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड में भी बुर्के को जनमत संग्रह के आधार पर बैन किया गया था। स्विट्जरलैंड में 51% लोगों ने बुर्के को बंद को प्रतिबंधित करने के पक्ष में जो वोटिंग की थी, उस आधार पर जनमत संग्रह के आधार पर स्विट्जरलैंड में ये फैसला लिया गया था कि वहां बुर्के को बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो बुर्के पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जो जिस पर पाबंदी है। इन देशों में कौन कौन से देश हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, ये सब कई ऐसे देश हैं जहां पर बुर्के को प्रतिबंधित माना जाता है। जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क ने तो कट्टरपंथी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए और भी कई तरह के प्रतिबंध जो हैं वो लागू किए हैं। चलिए अब उन देशों की बात करते हैं जहां सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का नकाब पहनना जो है वो प्रतिबंधित है। सबसे पहले बात फ्रांस की। फ्रांस ने 2011 में एक कानून लाकर बुर्के को प्रतिबंध किया, पर प्रतिबंध लगाया था। यहां सीनेट ने 14 सितंबर 2010 को इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत चेहरा ढकने के लिए, चेहरा अगर ढकने के लिए मास्क, हेलमेट, नकाब या किसी तरह के कपड़े का इस्तेमाल करना जो है वो प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध की काफी, तब 2011 में जब ये कानून पारित हुआ था तब इसकी काफी आलोचना की गई थी। लोगों ने इसे राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और सुरक्षा जैसे मुद्दे से जोड़कर भी सवाल उठाए थे। प्रतिबंध की वकालत करने वालों ने चेहरा ढकने को सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। तब ये कहा गया था कि ये एक खतरनाक कदम है, अगर लोग मास्क या किसी तरह से भी चेहरा ढक के सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं। भेदभाव के आरोप से बचने के लिए कानून को, हालांकि तब फ्रांस में, ताकि भेदभाव के आरोप न लगे, इससे बचने के लिए फ्रांस ने किसी धर्म का उल्लेख जो है वो नहीं किया था, किसी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं किया गया था। बेल्जियम में यहां भी बुर्का सहित चेहरा ढकने वाली किसी भी चीज, कोई भी चीज जो है 2011 से प्रतिबंधित है, और यहाँ अगर आप चेहरा ढकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है और कम से कम 7 दिन की तो जेल भी हो सकती है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या महज 10 लाख के करीब है, जिनमें से केवल 300 ही ऐसे हैं जो बुर्का या नकाब जो है पहनते हैं। इसलिए सरकार के इस प्रतिबंध से बहुत ज्यादा लोगों को इस प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए लोग। डेनमार्क में 2018 से बुर्का जो है वो बैन है।
अगर कोई यहाँ इसका उल्लंघन करता है तो यहाँ सजा भी दी जाती है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया का कानून जो है वो ये बताता है कि अगर आप बाल से लेकर ठुड्डी तक, यहाँ तक चिन तक चेहरा ढक आप नहीं ढक सकते, और उल्लंघन करने पर 150 यूरो का जुर्माना लग सकता है। और 2017 से यहाँ पर ये कानून जो है लागू है। बुल्गारिया में बुर्का पहनना 2016 से बैन है, पाबंदी है। इसका उल्लंघन करने वालों को 750 यूरो का जुर्माना भरना पड़ता है। हालांकि इनमें से कुछ लोगों ऐसे हैं जिनको छूट दी गई है, जैसे अगर कोई पोल्यूशन से, धूल मिट्टी से बचने के लिए, या खुले में काम करने के दौरान, या आप अपने घर में हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं या सिर ढकते हैं तो आप सिर ढक सकते हैं या बुरखा पहन सकते हैं। इतनी ज्यादा वहां पर कड़ाई नहीं है बुल्गारिया में। नीदरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना प्रतिबंध है, वहां भी 150 रुपए का फाइन है। ये नियम बुरके पर, बुरके से पूरा चेहरा ढकने वाले या हेलमेट या हर चीज पर लागू होता है जिससे आपका चेहरा ढक जाता है। और इस कानून के तहत जो प्रतिबंध है आम लोगों के लिए है, 14 साल तक चली बहस के बाद इसे लागू किया गया। सो जो हालिया देश है वो स्विट्जरलैंड है, और उसके बाद अभी कल श्रीलंका में ये जो विवादित प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे गई है। हालांकि ये बहुत एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत विवादित है, इस पर अलग अलग देशों में अलग अलग रिएक्शन आते हैं, क्योंकि इसको धर्म से जोड़ के देखा जाता है। कई लोगों का धर्म ये कहता है, उनका कस्टम ये कहता है कि आप बुर्का पहने, ये हर किसी का एक पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन जब इसको आप एक धार्मिक कट्टरपंथ से जोड़ के देखते हैं, या जिन देशों को इससे असुरक्षा या खतरा महसूस होता है उन देशों ने इसको बैन करने का काम किया है, इसमें हालिया जो है वो श्रीलंका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखें, अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यूं ही देखते रहें। नमस्कार।